वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन के लेकर हाजिर हैं आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले दो क्वेश्चंस आंसर्स आपके लिए पहले से लगे हैं हालांकि, पर हमें इन्हें सॉल्व करना है और मैं बाकायदा सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर एक, करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कितने होंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको क्या दिया है बेटा, 4.4 ग्राम CO2 दी है, इट इज ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44 से, तो आपको यहां पे मिल जाएगा कितना, इट इज 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। एक ट्रिक हम लोगों ने सीखी थी, शायद कभी आपने सुनी हो, ट्रिक का नाम होता है MI ट्रिक। व्हाट इज इट? MI ट्रिक, हिंदी में कहते हैं मोल इंडेक्स ट्रिक। क्या है ये मोल इंडेक्स ट्रिक सॉल्व करने की मोल के क्वेश्चन को? ये कुछ ऐसी होती है कि मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दिया गया है बेटा कि AXBY और इसके आपको कुछ मोल्स दे दिए गए हैं। सपोज करिए कि आपको इसके कितने मोल दे दिए गए हैं, A मोल्स, और वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि बताइए हाउ मेनी आइटम्स ऑफ A, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ B, ऐसा कोई भी क्वेश्चन। तो आप कैसे करते थे क्वेश्चन? यदि आपको किसी भी एटम के मोल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सबसे पहले मोल, क्या निकालने हैं मोल, तो आपका फॉर्मूला होता है M into I, यानी मोल ऑफ कंपाउंड कितने दिए हैं A, और इनटू इंडेक्स जिसका निकाल रहे, आपको A का निकालना है तो मल्टीप्लाई करिए X से, B का निकालना है तो मल्टीप्लाई करिए Y से, और इन्हीं मोल्स को यदि एटम में बदलना है तो इन्हीं में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, अवोगाड्रो नंबर यानी Na से, और Na की बेटा वैल्यू क्या होती है, 6.02 × 10⁻³। हम इस ट्रिक को अप्लाई करने जा रहे हैं जिसे हम MI ट्रिक कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए जरा देखें कैसे अप्लाई होगी ये MI ट्रिक इस क्वेश्चन में। तो जरा बताइए क्या CO2 में आपके पास मोल्स ऑफ CO2 गिवन है? यस, हमें मोल्स ऑफ CO2 गिवन है। कितने मोल गिवन है बेटा, 0.1 मोल्स। हमसे पूछे क्या गए हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछे गए, तो ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं मुझे। क्या निकालने हैं बेटा, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो ऑक्सीजन एटम्स के लिए फॉर्मूला लगाइए M into I। पहले मोल कितने आए हैं बेटा आपके पास, 0.1, इंडेक्स कितना है ऑक्सीजन का, 2। ये तो आ गए मोल्स ऑफ O, पर आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मल्टीप्लाई किया 6.02 × 10⁻³ से, सॉल्व कर लीजिए इसे, 6 × 2 = 12, ये आ गया 1.2 × 10⁻³। आंसर हो गया है फर्स्ट। क्या समझ में आया बेटा कैसे MI ट्रिक को इस्तेमाल किया गया, इसे कहते थे MI ट्रिक। आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसके लिए भी मैंने एक तरीका बताया था, व्हाट इज वाटर, H2O। आप सीधे इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए, कितना होता है 18। यदि MU में लिख देंगे तो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा, याद है ना, और ग्राम में लिख देंगे तो एक मोल का हो जाएगा। आपसे मॉलिक्यूल का पूछ रहा है तो सीधे लिख दीजिए 18 AMU, काम खत्म। अब MU की जगह आपको KG लाना है या ग्राम लाना है तो क्या करते हैं, यदि आपको KG लाना है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 × 10⁻²⁷ से, और यदि आपको ग्राम लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻²⁴ × 1.66 से। मल्टीप्लाई कर दो भाई 18 को इसमें, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 29.9 × 10⁻²⁷ अप्रोक्सीमेट आ गई। इसे हम लिख सकते हैं 2.99 × 10⁻²⁶ किसमें, केजी में। इसी को बेटा ग्राम में निकालना होता मान लीजिए केजी की जगह, तो यही 27 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देते, 24 से। लीजिए ये थे पहले दो क्वेश्चंस आपके सामने, आगे बढ़ते नेक्स्ट दो क्वेश्चंस पे आ जाते, ये रहे अगले दो क्वेश्चंस। देखते हैं बेटा, 30 ग्राम मैग्नीशियम 30 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्टेड देन रेसिडुअल मिक्सचर कंटेंस, यानी आप रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, मैग्नीशियम की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कैन आई राइट हियर हाफ O2, क्या बनेगा, एम
जी ओ। यदि हम रिएक्शन को देखें, जब एक मोल कितना होता है 24 ग्राम Mg, आधे मोल कितना होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो कितना मैग्नीशियम बनाता है 40 ग्राम। क्लियर। अब वो आपसे कह रहा है कि आपके पास ये कितना है 30, ये भी कितना है 30। सोचिए कौन ज्यादा चाहिए, ये या ये ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये ज्यादा खर्च होगा, जल्दी खर्च होगा, जो जल्दी खर्च होगा वो पूरा खर्च होगा, जो पूरा खर्च हो जाए उसी को कहते थे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कुछ नहीं बचता, कितना बचता है जीरो। तो मैग्नीशियम तो बचेगा ना भाई, क्या बचेगी ऑक्सीजन। देखिए कितनी बचेगी बताइए, एक एक चीज सॉल्व करते, पहले ऑक्सीजन निकाल लेते। जब 24 ग्राम है तो कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है 24 से 16, तो जब एक होगा तो कितनी रिएक्ट करेगी 16/24, तो 30 से कितनी रिएक्ट करेगी (×30)। सॉल्व कर लिया जाए, 8 से सॉल्व कर रहा हूं, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 3 से इसे कर दीजिए 10, 10 × 2 कितनी रिएक्ट करेगी 20 ग्राम। यदि 20 ग्राम रिएक्ट कर गई तो ये बचेगी बेटा 10 ग्राम। समझ में आया। देखो 24 से करती है 16, तो 30 से कितनी करेगी, मैंने निकाल ली कितनी कर रही है 20, तो 20 कर गई बची कितनी 10। अब आगे आ जाइए, जब ये 24 होता है तो ये कितना बनता है 40, यदि ये 30 होगा तो कितना बनेगा, बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे मेरे ख्याल से। तो जब ये 24 है तो कितना बन रहा है 40, यदि ये 30 होगा तो कितना बनेगा 40/24 × 30, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। फिर से मैं इसे 8 से कर रहा हूं, 8 × 5 = 8, 3 = लीजिए 10 × 5 = कितना 50, यानी ये कितनी बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी 50 ग्राम। तो आपका आंसर देख लीजिए क्या आ जाएगा, कितना बन जाएगा 50 ग्राम। आप अपना आंसर देख लीजिए बेटा कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका चौथा। कहीं कोई डाउट लग रहा हो किसी तरीके का आप पूछ सकते हैं, आसान सा सवाल था बिल्कुल। कहीं डाउट है किसी को, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। कह रहे वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इतना है, तो बताइए कितने ग्राम एटम। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन है ग्राम एटम, तो ग्राम एटम का मतलब होता है वो आपसे क्या पूछ रहा है मोल्स। कहते ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट 40 केजी में कितने हो। पहला काम तो आपको यह करना है कि एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, वो भी किसमें ग्राम में। और जब आपको ग्राम में एटॉमिक वेट यानी ग्राम एटॉमिक वेट चाहिए तो याद करिए एक मोल का वेट लेते हैं या तो एक एटम का दिया है, तो एक मोल का वेट यानी ग्राम एटॉमिक वेट बराबर हो जाएगा 6.64 × 10⁻²। तो एक का हो गया, आपको कितने का निकालना है एक मोल यानी 6.02 × 10⁻²। इससे ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटॉमिक वेट आ गया है 40। अब आपसे पूछ रहे मोल बताइए, तो ये एटॉमिक वेट आ गया है, आपको कितना दिया है मोल निकालने जा रहा हूं, कितना दिया है 40 केजी, केजी को किसमें बदलेंगे पहले ग्राम में, कितना हो गया 40 × 10⁻³ ग्राम। ग्राम वेट को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करिए, क्या बन गए मोल्स, लीजिए कट गया, आंसर आ गया है 10³ मोल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक कंपाउंड है जिसमें 10⁻²% फास्फोरस है, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस दिया है, तो बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए एक ट्रिक या फॉर्मूला था अपने पास, याद है आपको, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है जिस एलिमेंट का निकालना है उसका एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम इनटू 100, और इसको डिवाइड कर दीजिए परसेंटेज गिवन एलिमेंट्स, इतना सा का सब कुछ आपके पास। एटॉमिक वेट बताइए कितना है 31, एटम कितना है फास्फोरस का 1 इनटू 100, परसेंटेज बताइए कितना है 10⁻²। इसे ऊपर ले जाइए, 10⁻+2 हो गया, 10⁻² ये है, तो आपका आंसर आ जाएगा 31 × 10⁴, आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 6 पे सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 30 ml ऑफ ईच N2 और H2 की रिएक्शन कराई गई, N2+3H2 gives twice NH3, ये रिएक्शन कहते हैं। बताइए वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट कितना होगा, खेला जाए भाई, ये कितना दिया है 30, ये भी कितना दिया है 30, ये कितना होगा 0।
लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ रहा होगा देखते ही कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन। पहचानना आता है बेटा, तीन से डिवाइड कर दीजिए 10 आएगा, एक से डिवाइड कर दीजिए 30 आएगा, जो कम आता है कॉफिशियंट से डिवाइड करने पर उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट LR हो गया। अब बताइए ये तो पूरा खत्म हो जाएगा 30 का 30, तो जीरो बचेगा। जब ये तीन रिएक्ट करता है तो ये एक, देखिए इसका एक मोल इसके तीन है, जब तीन हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं तो एक नाइट्रोजन करती है, यदि ये 30 रिएक्ट करेगी तो उसी रेशियो में 10 रिएक्ट करेगी, 10 रिएक्ट कर गई तो कितनी बचेगी 20 ml, ये बच जाएगा। तो आपके पास नाइट्रोजन बच जाएगी कितनी 20 ml। पूछिए अमोनिया कितनी बनेगी, तीन से बनती है दो, तो 30 से बनेगी 20, तो 20 ये बन जाएगा। क्या समझ में आया है बेटा क्वेश्चन? हमें पूछा गया अनरिएक्टेड अमाउंट बताइए, तो हमसे अनरिएक्टेड निकाल लिया हमने, अमोनिया कितना सॉरी नाइट्रोजन कितना अनरिएक्टेड होगा आपके सामने। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा सवाल, 20 ग्राम जिसमें केवल दो आइटम है गैस में इतना ऑक्यूपाई कर रही है, तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। सिंपल, 5.6 लीटर का वेट कितना है 20 ग्राम। पूछा है मॉलिक्यूलर वेट यानी एक मोल यानी 22.4 लीटर का वेट कितना होगा, ऐसे ही पता चल गया ये 4 गुना हो गया तो कितना हो गया 80, और 22.4 लीटर का जो वेट है वो एक मोल का वेट यानी क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, आंसर है 80। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज आपको दी है बेटा, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, 1:4 का वेट रेशियो है, यदि ये आप पे 1 ग्राम है तो बताइए ये आपके पास कितने ग्राम होगी 4 ग्राम। पहले इसका मोल निकाल ले, फिर अपन मोलर रेशियो निकालेंगे। मोल निकालने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 2 से और इसे डिवाइड करेंगे 32। पक्का? अब हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना, तो ये कितना आएगा जरा बताइए 0.5 या 1/2 कह सकते हैं, पर ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पर, ये आएगा 1/8, यस और नो 1/8, और 1/8 को सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसे ही निकाल देता हूं इसका परसेंटेज, इतना सॉल्व भी नहीं कर रहा मैं इसे। ये हो गया 1/2, इसे भी जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया 1/8। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को आएगा 4H2O1। ऐसी नजर आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। गुड क्वेश्चन, बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितने का वेट होता है एक मोल, यहाँ पे देखिए 0.15 मोल ये है इतना वेट और 0.15 मोल का वेट ये है, तो बताइए यदि पॉइंट वन फाइव मोल का वेट बराबर कितना है 15.9, तो एक मोल का वेट कितना होगा बराबर 15.9 डिवाइडेड बाई 0.15। उम्मीद है आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरे नंबर पर आइए, 0.15 मोल का वेट फिर से देख लीजिए कितना है 9.3, तो बताइए एक मोल का वेट कितना होगा, इट इज 9.3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 0.15। क्लियर है? क्या आपको समझ में आता है बेटा, क्या आप इन्हें सॉल्व करने में कैपेबल हैं? सॉल्व कर लेंगे, जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, इसे यहां पे निकाल लीजिए, इसे यहां पे निकाल लीजिए, निकल आएगी वैल्यू सॉल्व करने पर। फिर आपको करना क्या है, ये किसके एक मोल का वेट आया है जरा बताइए, P2Q3 के, ये किसके एक मोल का वेट आया है P Q2 के। आपसे पूछा एटॉमिक वेट बताइए, मैंने मान लिया पी का एटॉमिक वेट ए है, क्यू का बी है, तो ये हो गया 2A+3B इक्वल्स टू जो भी वैल्यू यहाँ पे आई होगी, ये हो गया A+2B इक्वल्स टू एक वैल्यू यहाँ आई होगी, ऊपर से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप देख लीजिए, आप बल्कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए नीचे वाली में, 2 से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 इक्वेशन आपके पास है, 2 वेरिएबल्स आपके पास है, उम्मीद है आप इसे सॉल्व कर ले, नहीं होगा बताइएगा, मैं पूरा सॉल्व करके आपको दे दूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन,
रिएक्शन दी है, कहते 8 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विद, और बी के बारे में पूछ रहा है, ऐसी नजर आ जाएगा। देखिए इसके 2 मोल हैं, इसके 3 मोल, ठीक है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, मोल कोफिशियंट रूल, याद है, ए एंड बी के लिए एम सी रूल, मोल अपॉन कोफिशियंट कितना है बताइए, 8/2 बराबर मोल्स ऑफ बी अपॉन कोफिशियंट कितना है, 3। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, गलती से गलत लिख दिया है, भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4, तो n ऑफ b, मोल्स ऑफ b कितने आ जाएंगे जरा बताइए, 4/3 बराबर 12। मैंने लगाया है mc रूल, मोल अपॉन कोफिशिएंट्स, किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है, मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल अपॉन कोफिशिएंट सबके बराबर होते हैं हमेशा, इसे इस्तेमाल किया, आंसर आ गया 12 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट वॉल्यूम, बेटा जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, 1 मोल 22.4, आधा मोल 11.2। देखो यहाँ पे इसके मोल्स आप आराम से निकाल सकते हैं, 0.1 मोल्स आएंगे, यहाँ पे इसके भी मोल निकाल सकते हैं 16 से डिवाइड करके, ये भी 0.1 मोल आएगा। ये आपको ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल दिए हैं, कितने मोल दिए हैं इसके, 0.2 मोल, यदि इसके मोल देखेंगे तो ये भी ग्राम मॉलिक्यूल यानी मोल दिए हैं, बराबर कितने मोल है, 0.5 मोल। तो जिसके मोल सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। इतने मॉलिक्यूल 100 ग्राम CSO3 से रिमूव कर दिए गए, पूछा है बताइए मोल कितने बचे, तो ये बताइए 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, माइनस ये तो हो गए किसके मोल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के, माइनस कितना माइनस कर दिया, 3×10^23 मॉलिक्यूल्स, मोल कितने होंगे डिवाइड कर दीजिए भाई, ये आ गया 1 मोल, 6×10^23 तो 3×10 आधा मोल हो गया, और ये 1 मोल है, थ्योरेटिकल ओरली हो जाता है, 1 से आधा मोल घटा दीजिए आंसर आ जाएगा 0.5। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का, आइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर से वही जिसके मोल ज्यादा, कैसे निकालेंगे, देखिए इसके मोल निकालेंगे सबसे पहले 64 मॉलिक्यूलर वेट, 64/64 इसका मोल कितना आएगा बेटा, 1, यहाँ पे आइए 88/44 मोल कितने आएंगे, 2, यहाँ पे आइए 196/98 मोल्स कितने आएंगे, 2, यहाँ पे आइए 10/2 मोल कितने आएंगे, 5, जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा। यहाँ आ जाइए भाई, सीधा सीधा एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होती है परसेंटेज इंटू डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, वैल्यू रख भाई कितना परसेंट दिया है, इक्वल्स टू 80%, डेंसिटी कितनी दी है बताइए, 1.71×10 डिवाइडेड बाई H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है 49, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा 27.9। कहते सर आप इतनी जल्दी कर रहे हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं आपको अप्रोक्सीमेट सिखा देता हूँ, ये 10 है इसको 50 मान लो कितना हो गया, 5, अरे चलेगा कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए काम कर दीजिए, ओरली कर रहा हूं, 5 से इसे काट दीजिए कितनी बार गया, 16 × 1.7, तो यदि ये 2 होता तो 32 आता, तो 32 से थोड़ा कम आ जाएगा 27, कैसे भी करिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15-16 आपकी स्क्रीन पर, CP/CV की वैल्यू 1.4 दी है, यदि CP/CV बराबर 1.4 तो आपकी गैस हो गई डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक का मतलब कुछ ऐसी जैसे X2 टाइप, कह रहे बताइए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर, अब बताइए 11.2 लीटर क्या हाफ मोल के बराबर होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले MI पढ़ाया था, बताइए हाफ मोल, 1 मोल में कितने एटम्स हैं, 2 मोल, तो हाफ मोल में 1 मोल, 1 मोल की वैल्यू ये रही। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ 0.5 एन सोल्यूशन ऑफ NaOH टू गिव अ कंसेंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर, देख भाई पहला काम तो ये कर कि इस 10 मिलीग्राम को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर, तो नॉर्मेलिटी निकालते हैं डायलूट सोल्यूशन की, पता कितनी आएगी, नॉर्मेलिटी बराबर तो W ग्राम में होना चाहिए, तो 10^-3 मिलीग्राम को ग्राम में,
W अपॉन E इंटू वॉल्यूम। E बता भाई कितना होता है इसका, E होता है NOH का 40 और वॉल्यूम कितना दिया है 1 ml, 1 ml को लीटर में बदल कितना आ गया, इतना इससे कट गया, बताइए कितनी आ गई 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। ये रहा, ये नॉर्मेलिटी किसकी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की वाटर ऐड करने के बाद। अब आप अपना क्वेश्चन लगा दीजिए, पहले नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, बाद में नॉर्मेलिटी कितनी है 0.25 या 1/4, फाइनल वॉल्यूम आप यहां से निकाल लीजिए कितना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन का। उम्मीद है आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करिए, 2000 इंटू 0.5 यानी 1000, तो फाइनल वॉल्यूम आप पे कितना आ गया है 1000 ml। शुरुआत में आप पे वॉल्यूम कितना था 500, फाइनल 1000 है, इसमें से 500 ऊपर का घटा दीजिए, आंसर आ गया 500 ml। कितना वाटर ऐड किया आपने, 500 ml ऐड किया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्यूशन है 10 ml, हेनबाई टाइट्रेट किया इससे, कहते कौन सा अमाउंट यूज होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था, मैंने आपको पढ़ाया है ये कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम यानी क्या, मिली इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे पता चलेगा, यदि वॉल्यूम मिली लीटर में है तो मिली इक्विवेलेंट, लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट, तो एन इंटू वी दोनों के इक्वल होने चाहिए, तो इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 10 और मोलैरिटी दी है। अब बताइए फेरस किसमें ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक में, Fe प्लस 2 से प्लस 3 वैलेंस फैक्टर 1, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 1/10, बराबर कितने आ गए 1 मिली इक्विवेलेंट। अब बताइए KMnO4 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, वैलेंस फैक्टर KMnO4 का एसिडिक मीडियम में होता है 5, क्योंकि मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन सभी मोलैरिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो जरा इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा 0.02 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो क्या ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 इंटू 10 कितना होगा 1 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। यानी पहला काम आपको इन सभी मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से वैलेंस फैक्टर से, ताकि नॉर्मेलिटीज बन जाए, और फिर नॉर्मेलिटीज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपके मिली इक्विवेलेंट 1 आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, कैसे निकालेंगे, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर लगा, बताइए मोल ऑफ KMnO4 पूछ रहा है, मैंने एन मान लिए इनटू वैलेंस फैक्टर कितना है 5, किसके बराबर होंगे 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, इसके मोल 1 दिए हैं, फेरस ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर 3 होता है, तो एन बराबर 3/5, आंसर है 0.6। आगे बढ़ते हैं, ये रहे दो लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, आसान, कहते 120 ग्राम यूरिया यानी कितना 2 मोल यूरिया, ये आपको दिया है, आसान सा सवाल, इसको 1000 ग्राम पानी में एक सोल्यूशन इतने बनाया गया, मोलैरिटी बताइए। अब ये बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, कैसे पता चलेगा, जरा बताइए 1.15 वॉल्यूम बराबर होता है, मेरे ख्याल से फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। अब यदि मैं यहां से छोटा सा काम ये कर लेता, मुझे सोल्यूशन का क्या चाहिए, मुझे मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी क्या होती है जरा ये बता दीजिए, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अब आपका वॉल्यूम कितना है ये आपको निकालना है, ये क्या है आपके पास डेंसिटी यानी 1 ml का वेट, तो 1000 ml आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो जरा बताइए आपके पास क्या क्या है, ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का, और ये क्या हो गई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है, क्या आप इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, बोलिए भाई, यदि आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है, बस वॉल्यूम निकाल लीजिए और देख लीजिए आपसे पूछा किया गया है मोलैरिटी, और मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स डिवाइडेड बाय जो भी आपका वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी हमें यहाँ पे दी है बेटा, मास आपके पास है, आपको सिंपल वॉल्यूम निकालना है, क्या निकाल लें, मैं निकाल दूं, नहीं निकाल पा रहे हैं, वॉल्यूम बराबर कितना होगा बताइए, मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाई
डेंसिटी कितनी है 1.15, खत्म हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए, कर लिया, इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए मोलरिटी। लास्ट सवाल, व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इक्वल वॉल्यूम। अब बना बताइए, इसको और इसको जब मिलाएंगे इक्वल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो हो जाएगा दुगना, अब मोल्स ऑफ नाइट्रेट तो उतने ही रहेंगे, तो मोलरिटी बराबर है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपने कैसा कर दिया डबल, और मोल्स कैसे रखे कांस्टेंट, तो जरा बता दीजिए मोलैरिटी या कंसंट्रेशन कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 2 यानी आधी, तो 0.1 है या नाइट्रेट की, इसकी आधी कर दीजिए 0.2। सिंपल सा सवाल है कि आपने वॉल्यूम दुगना कर दिया है, मोल्स उतने ही है, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल उतने हैं, वॉल्यूम दुगना करते ही कंसंट्रेशन आधा। लीजिए ये थे 20 सवाल मोल कॉन्सेप्ट के और कंसंट्रेशन यूनिट्स के। चाहता तो मैं ये था कि 10 सवाल आपको भी होमवर्क के लिए दूं, पर चलिए एक छोटी सी बात करूंगा एक मिनट में बस। देखिए मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये 20 मिनट से 10 मिनट के बीच में क्वेश्चंस हो जाया करेंगे, कभी कुछ फिजिकल के बड़े टॉपिक में आधा घंटा लग जाएगा 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर ये याद रखिए कि ये मैं आपकी कोई रिवीजन नहीं करा रहा हूं, रिवीजन आप प्रॉपर करते रहिए, मैं तो पर डे आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराता रहूंगा, आपका पढ़ा रहा करेगा, रिवाइज हो जाया करेगा, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ आप करेंगे, चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए, तो आप टॉपिक अच्छे से तैयार करें, इसके लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। केवल बीच बीच में थोड़ा पढ़ा दूंगा, कुछ लोगों ने डिमांड्स रखी है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें करा दूंगा जो आपको लगता है कि हमें होने चाहिए, 10-10 मिनट के लेक्चर्स में करा दूंगा, बाकी देखते हैं। यदि एग्जाम मे बी पोस्टपोन्ड हो जाए बाई द वे तो हमें समय मिलेगा, हम दोबारा पढ़ाई शुरू कर देंगे, अदरवाइज हम तो तैयारी करके चल ही रहे बेटा के 13 को हमें एग्जाम देने जाना है। चलिए आज यहां तक, अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा जीओसी के क्वेश्चन, जिसमें होगी आईयूपीएसी रेमिंग, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के 20 क्वेश्चन अगली क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।